नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो आईपीएल 2022 के लिए आज आरसीबी फैंस और आरसीबी टीम के लिए काफी बड़ा दिन था, क्योंकि बेंगलुरु में आज आरसीबी का अनबॉक्स इवेंट रखा गया था, जहां पर काफी बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स होने थे, जैसे कि आरसीबी का नया कप्तान कौन होगा, इसके अलावा आरसीबी की नई जर्सी आईपीएल 2022 में कैसी होगी। तो इसको लेकर हमारे पास सारी अपडेट्स निकल कर आ चुकी हैं, और जो सबसे बड़ी अपडेट है वो ये है कि आरसीबी के नए कप्तान की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है। जी हां दोस्तों, और इस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूं कि आरसीबी का नया कप्तान कौन बना है, इसके अलावा आपको आरसीबी की नई जर्सी कितनी बजे लॉन्च होते हुए नजर आएगी। तो सारी डिटेल्स और सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए दोस्तों वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव, इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें, ताकि आपको क्रिकेट और आईपीएल से रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और अपडेट्स लगातार मिलती रहे। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं उस न्यूज़ की जिसका आरसीबी फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आज आरसीबी टीम मैनेजमेंट ने ऑफिशियल तौर पर यह अपडेट दे दी है कि आरसीबी का नया कप्तान फैफ डुप्लेसी होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, यह ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि फैफ डुप्लेसी आरसीबी की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे आपको आईपीएल 2022 में। और मुझे लगता है कि यह काफी ज्यादा अच्छा फैसला है, क्योंकि फैफ डुप्लेसी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में भी काफी ज्यादा अच्छी कप्तानी करी है साउथ अफ्रीका के लिए, और उनके अंडर साउथ अफ्रीका ने बेहतरीन प्रदर्शन भी किया है। इसके अलावा दोस्तों विराट कोहली का भी स्टेटमेंट निकल कर आया, और उन्होंने कांग्रेचुलेट किया है फैफ डुप्लेसी को आरसीबी का नया कप्तान बनने के लिए, और उन्होंने कहा है कि मैं अब जो बेटन है कप्तानी की वो अब पास कर रहा हूं फैफ डुप्लेसी को, और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं फैफ डुप्लेसी के अंडर खेलने में। और कई सारे नाम चल रहे थे कप्तानी के लिए, जैसे कि ग्लेन मैक्सवेल का नाम भी था कि उन्हें भी कप्तान बनाया जा सकता है। हालांकि कप्तानी का अनुभव जो है वो ग्लेन मैक्सवेल को काफी ज्यादा कम है, और इसीलिए मुझे लगता है कि ये चीज उनके खिलाफ गई होगी। वहीं दिनेश कार्तिक का नाम भी चल रहा था कि वो भी आरसीबी के नए कप्तान हो सकते हैं, लेकिन दिनेश कार्तिक को हम सब ने केकेआर में देखा था कि वो कोई बहुत ज्यादा बेहतरीन कप्तान साबित नहीं हुए थे। इसके अलावा बात की जाए बाकी खिलाड़ियों की, तो यहां पर विराट कोहली का भी नाम बाद में आ रहा था कि फैंस चाह रहे थे कि विराट कोहली को दोबारा से आरसीबी का कप्तान बनाया जाए। हालांकि मुझे कभी नहीं लगता था कि विराट कोहली जो है वो दोबारा से आरसीबी के कप्तान बनेंगे, क्योंकि उन्होंने खुद स्टेप डाउन किया था, लेकिन फैंस काफी ज्यादा डिमांड कर रहे थे। लेकिन मैं अगर ओवरऑल देखूंगा तो मुझे ये फैसला काफी ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि फैफ डुप्लेसी एक बहुत ही बेहतरीन कप्तान है, यह सब हम इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देख चुके हैं। इसके अलावा उनको ओवरऑल कैप्टनसी का काफी ज्यादा अनुभव है, तो मुझे लगता है कि आरसीबी की टीम उनके अंडर अच्छा प्रदर्शन जरूर कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों आरसीबी की न्यू जर्सी को लेकर भी हमारे पास ऑफिशियल अपडेट निकल कर आ चुकी है, और अपडेट यह है कि आरसीबी की न्यू जर्सी आईपीएल 2022 के लिए आज शाम 7 बजे लॉन्च होने वाली है। तो जैसे ही आरसीबी की न्यू जर्सी ऑफिशियली लॉन्च होती है शाम 7 बजे, मैं सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट दे दूंगा, इसलिए फटाफट से जाकर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। इसके अलावा दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताएं कि आप आईपीएल 2022 में आरसीबी का कप्तान फैफ डुप्लेसी के बनने से कितने ज्यादा खुश हैं, या फिर आपको क्या लगता है कि इसके अलावा किसे आरसीबी का कप्तान होना चाहिए था। आपकी जैसी भी राय है आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वहीं पर अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा क्रिकेट मैचेस की फैंटेसी प्लेइंग 11, वहीं पर क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज से सबसे पहले अपडेटेड रहने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।